हाय गाइस, मैं कैन राज रॉब देखा करंट रिएक्शन। आज जिस पर रिएक्शन करने वाला भाई वो है द टेन ऑफ रेवल स्टार। जी हाँ, प्रभास बड्डे मासूम। तो गाइस, जो एक भाई तेलुगु के भाई साहब वो मुझे इंस्टाग्राम पे लिंक भेजे थे, तो थैंक यू सो मच भाई। ये इस पे आपका जो बोले हैं इस पर रिएक्शन करना, और ये ऐसे भी आप नहीं भी भेजते अगर मुझे यूट्यूब पर मिल जाती तो मैं इसका रिएक्शन जरूर करता, क्योंकि मैं प्रभास का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। हालांकि मैं जब तक तौर पर मैं प्रभास सर के मैं रिएक्शन करता हूँ, वीडियो पे सॉन्ग पे करता हूँ। और तो गाइस, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जो हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। ऐसे भी मैं शॉर्ट्स भी बनाता हूँ, तो भाई प्रभास डार्लिंग प्रभास बनाता हूँ, ना तो थालापति विजय पर, क्योंकि थालापति विजय पर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एंड प्रभास सर सपोर्ट करते हैं, एनटीआर भी करते हैं। अभी हालांकि अभी तक उनका वीडियो अब तक बनाया, जरूर बनाऊंगा। तो गाइस, बात करते हैं बाहुबली की। जी हाँ, तो बाहुबली ऐसी फिल्म थी कि पूरी दुनिया उनकी प्रभास को जान गई थी। ऐसी हालांकि मुझे बहुत सारी फिल्में आई थी, जानती थी, लेकिन जब बाहुबली की बात ना पूरा वर्ल्ड जान गई, ये बात सच है, ये बात मान लो। तो गाइस, अगर मेरे चैनल पे नहीं है तो भाई सब्सक्राइब करो, इस भाई को सपोर्ट करो। जैसे कि उनका फिल्म आ रहा है राधेश्याम, और जैसे कि मोशन पोस्टर एकदम धमाल थी, बवाल थी, उसके मैं रिएक्शन दिया हो जाके आप देख सकते हो। तो गाइस, ऐसे डिस्प्ले पर आपको वो चीज़ दिखाई नहीं, आप मेरा सीधा आईडी में जाओ, यूट्यूब में जाओ, सीधे जाके देखो, तभी आपको दिखेगी ऐसे नहीं दिखेगी। और बात करते हैं अति रेवल की। रेवल जो फिल्म थी बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी थी। मैं वो फिल्म की हालांकि बहुत बार देखा हूँ, मुझे दिल नहीं भरा, क्योंकि उनकी जो एक्शन, उनकी जो रत्न हुए बहुत धमाल थे। साहो मूवी बवाल कर देती, एंड मिर्ची एंड छत्रपति जो मूवी थी वो एक धमाल मूवी थी, छत्रपति मुझे बहुत अच्छी लगी। तो भाई चलते सीधा रिएक्शन पे, उसके बाद डार्लिंग प्रभास बाहुबली और कुछ कुछ बात बात, बात करते हैं, सीधा चलते हैं आप रिएक्शन पे। गाइस, वीडियो बहुत धमाल थी, एकदम बाइक और मजा आ गया, बहुत अच्छा एक्टर है यार। और हालांकि इनकी इनकी जो प्रभास सर की बहुत सारी फिल्में, पाँच छः फिल्में शायद फ्लॉप हुई थी। तो गाइस, तो मैं मुझे इस न्यूज़ देखा था, तो पहले का बहुत पहले का न्यूज़ देखा था कि इनकी फिल्म फ्लॉप हुई थी। तो गाइस, जो फिल्म फ्लॉप हुई थी, तो उनका एक फिल्म थी जो फ्लॉप हुई थी, तो मुझे एक बार शायद टीवी पे शायद दे रहा था, मैं देखा था, वो तो फ्लॉप लायक थी नहीं भाई, लेकिन क्या करें, उसमें कोई सपोर्ट नहीं किया, शायद इसलिए फ्लॉप हो गई थी।
हालांकि फिल्म बहुत धमाल फिल्म थी, कुछ दिन पहले तेरा नाम भूल रहा हूँ, सॉरी माफ करना। तो गाइस बहुत अच्छी फिल्म लगी थी और इतनी मतलब बहुत अच्छा एक्टर है यार, बहुत अच्छा। मतलब बोलते थे 5 साल बहुत सैड रहे थे ये प्रभास सर, और एक फिर उसके बाद ऐसा बवाल मचाए, ऐसा बवाल मचाए, ऐसे बवाल मचाए कि लोग पूजता है, जितना मंदिर में दूध चढ़ाते हैं उससे ज़्यादा दोगुना इनकी जब फिर एक पोस्टर लगती है भाई, तो उस पर दूध से नहला दिया जाता है। सोचो जब सामने जब वो बंदा आ जाएगा, सॉरी बंदा बोल दिया, आई एम सो सॉरी, वो सर आ जाएंगे सबके सामने, पब्लिक सामने, तो भाई सोचो क्या होगा, दूध से और शहद से कितना उनको नहलाएंगे, तो बातें अलग है, एकदम आग है, एकदम आग बोले एकदम आग, बहुत शानदार। तो वैसे अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जहाँ वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो गाइस इस भाई जरूर सपोर्ट करना, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रवास डालू, प्रवास का मैं डालूंगा ही वीडियो, एंड जितना नहीं तो थलापति विजय के सर भी डालता हूँ, जूनियर एनटीआर सर का भी डालता हूँ, मैं सबका ही डालता हूँ गाइस, लेकिन ज्यादा तौर पे मुझे एनटीआर प्रवास और पवन के लिए ज्यादा सपोर्ट करते हैं भाई, तो प्रवास में बहुत ज्यादा डालता हूँ ऐसे, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है और एनटीआर भी दोनों मेरा फेवरेट है। थलापति विजय है लेकिन उनकी झूठी फिल्म देखा हूँ, लेकिन उन पर थोड़ा उन पर ना उनके जो वहाँ के जो तमिल के जो लोग हैं कम सपोर्ट करते हैं मुझे, और जो तेलुगु भाई सब हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं भाई सपोर्ट जब कोई करता है। सपोर्ट करोगे तभी तो मैं आगे वीडियो ला के दूंगा ना, ऐसे कैसे ना, या सपोर्ट जिस पर मुझे सपोर्ट मिलेगी तो उसी उसी के तरह मैं वीडियो ला कर दूंगा, समझ रहे हो ना बात को। तो चलिए इसलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट जरूर करना वीडियो कैसा लगा, एंड मैं जो मैं बोला गलत बोला सही बोला, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट जरूर करूँ।